हेलो फ्रेंड्स, अंतरा की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ टमाटर की मीठी चटनी बनाने की विधि शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए 1 केजी टमाटर लेंगे और इसे जैसा कि आपने वीडियो में देखा उस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। और उसके बाद फिर एक कढ़ाई में 2 चम्मच करू तेल, या जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं वो लेंगे, या फिर मस्टर्ड ऑयल की जगह हम रिफाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें 1 चम्मच जीरा और 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के जगह पे हम लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें तेज़पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो टमाटर के टुकड़े हमने काट रखे हैं उसको ऐड करेंगे और उसको 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे। और उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच नमक और 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी की मात्रा चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 3 चम्मच में भी ये चटनी जो है वो मीठी हो जाती है। फिर इसे थोड़े देर के लिए 10 मिनटों के लिए हम ढक देंगे और हमारा जो फ्लेम जो होगा वो लो ही होगा। और 10 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो हमारे टमाटर के जो टुकड़े होंगे ज़्यादातर टुकड़े पक गए होंगे। फिर इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे और इस तरह से चलाने के बाद फिर से हम इसको थोड़े और देर के लिए इसे ढकेंगे ताकि ये हमारी जो चटनी है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाए। और इसमें जो पानी जो है, पानी जो हमें दिख रहा है, जो ये गीला दिख रहा है, वो इसका गीलापन कम हो जाए। तो इस तरह से इसको फिर से हमने ढक दिया है और ये इस तरह से हमारी जो चटनी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये इस तरह से हमारी चटनी बन करके तैयार हो गई है और देखने में काफ़ी अच्छा है। इसे हम 2 से 3 दिनों तक फ्रिज में रख के आसानी से खा सकते हैं।